बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कुरानी वज़ाइफ चैनल के प्यारे नाज़रीन, मेरी बहन और भाइयों, माह रमज़ान का तीसरा अशरा जहन्नम से निजात का अशरा चल रहा है। ये अशरा ख़त्म होने से पहले पहले ये आज का मुजर्रब अमल जो है ये आप किसी भी दिन लाजमी कर लीजिए, क्योंकि ये अगर हम अमल कर लेते हैं तो आपके घर में दौलत और रिज़क की ऐसी बारिश होगी कि आप हैरान रह जाएंगे कि आपके घर से रिज़क की तंगी दूर हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला आपके घर से गुर्बत को ख़त्म कर देंगे। जो भी मौली परेशानी जिनका आपको सामना करना पड़ रहा है वो इंशाअल्लाह तआला ख़त्म हो जाएंगी। मेरी बहन और भाइयों, माह रमज़ान बड़ी तेज़ी के साथ जो है अपने आखिरी मराहल में है, और अगर हम इन मराहल को जो है पकड़ लें और इनसे फ़ायदा उठा लें तो अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास रहमतें जो है वो हम हासिल कर सकते हैं। तो आपने करना यह है कि एक ख़ास तस्बीह जो है अगर आप इसको माह रमज़ान ख़त्म होने से पहले पहले सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के फौरन बाद इसको पढ़ लेते हैं तो आपके घर से रिज़क की तंगी दूर हो जाएगी। अल्लाह पाक आपके हर मकसद को पूरा कर देंगे। दिल में जो भी बड़ी हाजतें होंगी वो इंशाअल्लाह ताला पूरी हो जाएंगी। जो तस्बीह आपने पढ़नी है वो ये है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वआफ़ानी वअरज़ुक़नी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वआफ़ानी वअरज़ुक़नी। ऐ अल्लाह, मुझे माफ़ फरमा, मुझ पर रहम फरमा, मुझे आफ़ियत दे और मुझे रिज़्क अता फरमा। ये जो तस्बीह है आपने इसको 333 मरतबा फजर की नमाज़ के बाद आपने पढ़ना है, और एक मखसूस जगह पर बैठकर इस अमल को करें, और आखिर में अल्लाह पाक से आजजी और इंकसारी से दुआ करें, और जो भी आपकी हाजत है उसका तसव्वुर ज़हन में लाजमी रखें। अल्लाह पाक से रो रो कर गिरगिरा कर लाजमी मांगे इंशाअल्लाह ताला इस अमल को करने से। जिस भी मकसद के लिए आप ये अमल करेंगे वो मकसद पूरा हो जाएगा। अल्लाह पाक आपकी हर मुश्किल को आसान कर देंगे। ये आज का अमल आप खुद भी करें, इस वीडियो को आप लाजमी शेयर भी करें। जज़ाकअल्लाह।